तो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ माइनक्राफ्ट वायरल टिकटॉक हैक्स, एंड आई होप ये हैक तुम लोग को काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और टिकटॉक तो पिछले साल इंडिया से जा चुका है, लेकिन माइनक्राफ्ट के वायरल टिकटॉक हैक्स कभी खत्म नहीं होने वाले, एंड इन हैक्स को तुम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी आराम से बना सकते हो। तो चलते हैं अपने पहले हैक की तरफ। तो अपना पहला हैक हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को एक बीकन बना लेना है। तो मैं डायमंड का बीकन बना रहा हूँ, तुम लोग आयरन का भी बना सकते हो। जल्दी से एक बीकन बना लेते हैं, एंड हमारा बीकन रेडी है। तो फिर तुम लोगों को क्या करना है कि इसकी सेकंड लेयर पर हम लोग को रेडस्टोन डस्ट लगानी है। जल्दी से रेडस्टोन डस्ट लगा देते हैं चारों तरफ, एंड ये लगा दी फाइनल रेडस्टोन डस्ट। एंड इसके बाद तुम लोग को ये वाले ब्लॉक की रेडस्टोन हटाकर एक रिपीटर लगाना है, एंड मैक्स पर सेट करना है, एंड फिर ऐसे तुम लोग को चारों तरफ कर देना है। ये लगाया रिपीटर, एंड इसको मैक्स स्टिक पर सेट करना है, एंड ये फाइनल रिपीटर लगाते हैं, एंड इसको मैक्स स्टिक पर सेट कर देते हैं। एंड फिर इसके बाद तुम लोग को ये सेंटर वाले ब्लॉक पर दो ऑब्जर्वर लगा देना है, एंड फिर उसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन लगाना है जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरह से। एंड फिर इस वाले ब्लॉक पर तुम लोग को तीन ऑब्जर्वर लगाना है। ओके, तो तीन ऑब्जर्वर लगाना है, तो ये गलत लग गया। ओके, तो कुछ इस तरह से लगाना है, एंड फिर उसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन इस तरह से लगा देनी है, ये भी हो गया। एंड इस ब्लॉक पर भी तुम लोग को दो ऑब्जर्वर लगा देना है, एंड फिर एक स्टिकी पिस्टन उसी तरह से लगा देनी है, एंड फिर यहाँ पर तीन लगाने हैं ऑब्जर्वर। ओके, तो लगा देते हैं जल्दी से, एंड फिर इसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन लगा देनी है कुछ इस तरह से। एंड इतना होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर तुम लोग को सारे स्टिकी पिस्टन के ऊपर अलग अलग कलर के ग्लास लगा देना है। सबके ऊपर अलग अलग कलर के ग्लास लगाना, वरना ये हैक वर्क नहीं करेगा। तो लगा देते हैं सबके ऊपर अलग अलग कलर की ग्लास। इसके ऊपर ब्लू लगा देते हैं, ओके, तो फिर इसके ऊपर लगा देते हैं रेड कलर का ग्लास, ये लग गया फाइनल ग्लास। ओके, तो फिर इसके बाद तुम लोग को इसे लीवर से एक्टिवेट करना है, एंड तुरंत बंद कर देना है, लीवर को तोड़ देना है, रेडस्टोन को भी अलग कर देना है, एंड फिर ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। और इसमें से हर बार अलग कलर की रेज निकलेगी, एंड तुम लोग इसे अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी ट्राई कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा एपिक लगता है, एंड अगर तुम लोग को ये हैक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चलते हैं अपने सेकंड हैक की तरफ। तो सेकंड हैक को बनाने के लिए तुम लोग को तीन ग्लास को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है, एंड फिर इसे टावर अप कर देना है ऊपर तक बिल्कुल। जल्दी से टावर अप कर देते हैं बिल्कुल ऊपर तक, एंड फिर तुम लोग को यहाँ से टावर अप कर देना है बिल्कुल ऊपर तक। एंड इसके हो जाने के बाद तुम लोग को यहाँ नीचे आकर दो ग्लासों को तोड़ देना है बिल्कुल इस तरह से, एंड फिर इसके बाजू में दो ग्लास यहाँ पर प्लेस करने हैं, एंड दो ग्लास यहाँ पर, एक ऊपर एक इसके ऊपर, एंड फिर यहाँ पर तुम लोग को एक गेट लगा देना है। ओके, फिर हमारा 50% काम कंप्लीट हो गया है, एंड फिर अंदर आना है नीचे वाले ब्लॉक को छोड़कर उसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा देना है, एंड फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक छोड़कर साइन बोर्ड लगाते जाना है बिल्कुल ऊपर तक लगा देने हैं साइन बोर्ड्स को। एंड फिर इतना होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, एंड फिर बचे हुए ब्लॉक पर तुम लोग को पानी डाल देना है एक एक बकेट, एंड पूरे ऊपर तक इसी तरह पानी डालते हुए जाना है। जल्दी से इस तरह पानी डाल देते हैं, इस ब्लॉक पर डालना है और फिर उसके बाद इस ब्लॉक पर, एंड सबसे ऊपर वाटर बकेट जरूर डालना, नहीं तो ये हैक वर्क नहीं करेगा। एंड इतना होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। एंड फिर तुम इसे अंदर जाना है, एंड तुम लोग इसे फिर लिफ्ट की तरह यूज़ कर सकते हो, इससे तुम लोग ऊपर भी जा सकते हो, एंड इसी से तुम लोग नीचे भी आ सकते हो। ये काफ़ी अच्छी लिफ्ट है अगर तुम लोग के पास सोल सैंड नहीं है तो, एंड ये लैडर्स से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड अब चलते हैं अपने तीसरे हैक की तरफ। तो अपना तीसरा टिकटॉक हैक हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तुम लोग इसे अपने सर्वाइवल बेस में भी बना सकते हो, और मैं क्वार्ट ब्लॉक का यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। तो तुम लोग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना है, तो एक यहाँ पर ब्लॉक एक यहाँ पर लगाना है, कुछ इस तरह से दिखेगा फिर ये। एंड फिर इस वाले ब्लॉक को तुम लोग को तोड़ देना है, एंड फिर यहाँ पर तुम लोग को एक टॉर्च लगानी है। तुम लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एंड नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। एंड फिर तुम लोग को एक आर्मर स्टैंड रखना है, एंड फिर उसको फुल आर्मर पहना देना है। जल्दी से एक आर्मर पहना देते हैं, तो ये पहनाया पूरा आर्मर। एंड फिर इसके बाद तुम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इतना होने के बाद तुम लोगों को यहाँ पर आ जाना है, एंड पिस्टन को कुछ इस तरह से लगाना है कि उसका फेस आर्मर स्टैंड की साइड हो, तो कुछ इस तरह से लगा देना है तुम लोगों को। तो ये गलत लग गया। फिर इसके ऊपर एक और पिस्टन को लगा देना है कुछ इस तरह से। एंड इतना होने के बाद तुम लोगों को पिस्टन के सामने एक एक ग्लास प्लेस कर देने हैं, एक यहाँ पर भी कर देना है। इतना होने के बाद तुम लोग को ऊपर से इसको कवर कर देना है वापस, एंड ये हो गया। एंड फिर पिस्टन को रेडस्टोन से एक्टिवेट कर देना है, एंड फिर इतना होने के बाद दोनों पिस्टन को एक्टिवेट होने के बाद तुम लोग को इसे तोड़ देना है, पिस्टन तोड़नी है एंड रेडस्टोन तोड़ देना है। एंड फिर ये होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें तुम लोग अपने आर्मर को रख सकते हो, एंड ये है काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। एंड अब चलते हैं अपने फोर्थ हैक की तरफ।
अपना फोर्थ हैक हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। हम लोग को एक डिस्पेंसर कुछ इस तरह से प्लेस करना है एंड फिर यहाँ पर खड़े हो जाना है एंड फिर अपने चारों तरफ डिस्पेंसर को प्लेस कर देना है। एंड इतना होने के बाद इसके अंदर हम लोग को एक एक आर्मर पीस को रख देना है। इसमें हम लोग चेस्ट प्लेट रख देते एंड हेलमेट को इसमें रख देते हैं। एंड फिर इसके बाद तुम लोग को बीच में एक प्रेशर प्लेट को प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। एंड हम लोग का टिकटॉक हैक रेडी है, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। एंड फिर जैसे तुम लोग प्रेशर प्लेट के ऊपर खड़े होगे, तुम लोग सारा आर्मर पहन लोगे एंड फिर तुम अपने दोस्त को कूटने जा सकते हो। चलते हैं अपने फिफ्थ हैक की तरफ। तो अपना अगला हैक हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को एक सैंड प्लेस करनी है कुछ इस तरह से एंड फिर उसके ऊपर एक कैप्टस लगा देना है कुछ ऐसे। एंड फिर इस कैप्टस के चारों ओर हम लोगों को पेंटिंग्स लगा देनी है, एक एक पेंटिंग्स चारों ओर लगा देनी है कुछ इस तरह से। एंड फिर इतना हो जाने के बाद हम लोग को कैप्टस के ऊपर एक ट्रैप डोर को प्लेस करना है कुछ ऐसे। एंड हमारा टिकटॉक हैक रेडी है। ये एक डस्टबिन है जिसमें हम लोग अपना कचरा फेंक सकते हैं, इसे हमें बस खोलना है। एंड इसके ऊपर हम लोग कोई भी कचरा डालेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कैप्टस में। जैसे तुम लोग देख सकते हो, ये डाला मैंने कचरा और ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को सारे हैक्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।